हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन 82। मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। दक्षित कुछ बना रहा है बाहर। मैं सोची कि मैं ब्लॉग ओपन करके आप लोगों को शेयर करती हूँ दक्षित क्या कर रहा है। चलिए हम देखते हैं दक्षित क्या कर रहा है। दक्षित के साथ हेल्प कर रही है दर्शिका। छोटे बच्चे है लेकिन धमाकेदार काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है दक्षित। रंगोली बना रहा है। रंगोली में बेटा रंगोली में क्या बना रहे हो? पिकक बना रहा है। पिकक का बेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी वो फूल कलर करने के बाद ही उसका लुक अच्छा आएगा। इधर दर्शिका हेल्प कर रही थी भैया को। ये देखिए दर्शिका भी यहाँ आके रंगोली बना रही है। छोटी सी बच्ची है लेकिन इसके भी दिमाग को देखिए। हेलो दर्शिका, आप क्या कर रहे हो? आप भी रंगोली बना रहे हो? ओके। मैंने लक्ष्मी माता का पैर बनाया। ओके। और इधर ये कुछ बनाऊंगी। ओके, यहाँ भी कुछ डिजाइन बना रहे हो? वो लेकिन बेस के हेल्प से बना रही है। जो भी हो बेस के हेल्प से भी परफेक्ट निकालना वो भी मुश्किल होता है। निकाल रही है वो परफेक्ट। इधर दक्षित का तो मेहनत चल रहा है। फाइनल जब दक्षित बना देगा मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी। ओके। बहुत देर हो गया दक्षित जो बना रहा था मोर। चलिए हम देखते हैं उसके मोर बन गया क्या। ये देखिए दक्षित के मोर बन के रेडी है। देखिए वाह बेटा, इसमें तो बहुत मेहनत लगा होगा आपको। हाँ, है ना? हाँ, लेकिन बहुत मेहनत लगा होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया है बेटा। ठीक है, अगली बार इससे भी बेटर करोगे मुझे पता है ना? दर्शिका आप भी बनाए थे ना? आप इतने सारे रंगोली। वाह, दर्शिका जो बेस यूज करके बना रही थी बना दी है वो बहुत सारे। लोग तो देख लिए बच्चे कैसे बनाए हैं। हम तो बच्चों को मोटिवेट ही करते रहते हैं। अगर बच्चे कुछ भी बनाए, थोड़ा सा गलत भी बनाए या सही भी बनाए, उनको मतलब उनके चीज देख के खुश होना चाहिए। तो उनको फील होगा कि मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दक्षित का मोर। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।